नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजीव मल्होत्रा है एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ इन सेक्टर 27D मार्केट SU नंबर 5। ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हुए मुझे 28 ईयर्स हो गए हैं और हम हर तरह के डिजीज़ को कैटर करते आए हैं आज तक, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे रिजल्ट्स भी ब्रिलियंट रहे हैं। पीपल हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। व्हेन आई वाज प्रीटी यंग, जब मैंने शुरू किया था 23 ईयर्स ओल्ड था मैं, तब से मेरी प्रैक्टिस चलती आ रही है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड हम लोग हर तरह की डिजीज़ को कैटर कर रहे हैं, जैसे आजकल एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का मौसम है, चला हुआ है, फैला हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड ऑल, तो इसके भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। बाकी हर सफियर में हर केस भी डील में हम डील करते हैं, फ्रॉम मेंटल हेल्थ टू फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में बैकग्राउंड में चलती रहती हैं जो कि हमें ना ठीक होने देती हैं ना दवाइयों को असर करने देती हैं। जो दवाइयाँ होती हैं उनका प्रूविंग सिर्फ थेरापेटिक बेसिस पे तो होता है, बट जो ह्यूमन ब्रेन है, जो कहा जाता है हम 3% ऑफ ब्रेन यूज़ करते हैं या 4% ऑफ ब्रेन यूज़ करते हैं, जो 97-96% ब्रेन हमारा वो इन्हीं चीज़ों को एनालाइज़ करके हमारी दवाइयों का असर करवाता है। तो इस तरीके से फ्रॉम नॉट जस्ट कंजक्टिवाइटिस, इट्स एन एक्यूट थिंग, बट एवरी स्वियर, एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, यूरिक एसिड, डिस्क डिजीज, स्पेशली जिन लोगों की डिस्क प्रोलैप्स हुई है, शियाटिका हो रखी है, या जिन लोगों को सर्जरीज भी एडवाइज्ड हैं, वो हम एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू दी MRI रिपोर्ट। जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ सर्जरी रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ही डिस्क डिजीज़ को कम्प्लीटली ठीक कर लेते हैं, शियाटिका को कम्प्लीटली ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही आजकल एलर्जी का बहुत मौसम है, तो एलर्जिक राइनाइटिस की बात करते हैं, तो छींकों की एलर्जी बड़ी कॉमन है चंडीगढ़ जैसे शहर में, जहाँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, हर वक्त लोग हर मॉर्निंग आप देखेंगे हर एक घर में एक बंदा स्नीज करता होगा, तो इसका भी बड़ा अच्छा होम्योपैथिक में इलाज है। और इसको इस तरीके से ठीक किया जाता है कि ये आपकी चेस्ट में एक्सटेंड ना करे, वरना अगर हम एंटी एलर्जिक्स लेके देखते हैं तो उनसे तो लोगों को कई बारी चेस्ट एक्सटेंशन होने से ब्रोंकाइटिक इशूज़ भी आ जाते हैं। ऐसे ही आर्थराइटिस है जिसका इलाज ही लॉन्ग टर्म पेन किलर्स के साथ किया जाता है, बट अगर होम्योपैथिक हम लेते हैं तो उसमें आप पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट से बचते हैं। होम्योपैथिक मेडिसन्स वेरी इफ़ेक्टिवली आर्थराइटिस को ट्रीट कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं। ऐसे ही रीनल इश्यूज हैं, किडनी स्टोन्स हैं, या फिर रीनल फेल्योर के केसेस हैं जहाँ पे लोगों का यूरिया क्रिएटिनिन इंक्रीज़ हो रहा है, हम उसकी भी मैनेजमेंट करते हैं एफिशेंटली विद एविडेंसेस लोगों के फॉलोअप्स में, जिनसे उनकी इम्प्रूवमेंट हम गेज कर पाते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पेशेंट को राइट रिकमेंडेशन देके अपने ओपिनियन के साथ हम फॉरवर्ड भी करते हैं टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, रेफर कर देते हैं ताकि किसी का हेल्थ का नुकसान ना हो। हर साइंस की लिमिटेशन होती है, होम्योपैथी की भी लिमिटेशंस हैं। एज अ डॉक्टर यू हैव टू गेज वेदर दिस पेशेंट इज़ इन योर डोमेन और ही नीड्स अदर डॉक्टर्स ओपिनियन, अदर स्पेशलाइज ओपिनियंस। सो एज अ डॉक्टर आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए और अपने पेशेंट को एबली गाइड करना चाहिए कि उसको आपकी ज़रूरत है या आपसे जो लोग स्पेशलाइज हैं, जिन लोगों ने सिंगल सब्जेक्ट पर सारा काम किया हो, MD MS की हुई है, आप उनके पास उनको रेफ़र कर सकें।